हेलो एवरीवन, आप अपने हर दिन को मैजिकल डे बना सकते हो और उसका रिजल्ट उम्मीद से 1000 गुना अच्छा आपका हर दिन बना सकते हो इस सिर्फ 2-3 मिनट की प्रैक्टिस से या एक रिचुअल से जो आपको दिन की शुरुआत के पहले मॉर्निंग में करनी है। इस प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना हर दिन वैसा पाओगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना अच्छा, उम्मीद से कई गुना अच्छा। क्यों और वो उस समय क्या करना है, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी। मतलब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, यानी अपने हर दिन को मैजिकल डे बनाना है। मैजिकल डे प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्यों करनी है, इससे क्या होता है, और खुद का एक्सपीरियंस और ऑथर की स्टोरी, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो तैयार हो जाइए अपने हर एक दिन को मैजिकल डे बनाने के लिए। और आज मैंने इसकी सुबह से शाम तक प्रैक्टिस की, एक दिन और पहले भी प्रैक्टिस की थी जिस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 16 जुलाई को। उस दिन मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग ये इमेजिनेशन किया कि आज का मेरा दिन कैसा होगा, एंड यकीन मानिए वो दिन सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जॉयफुल, हैप्पी, रिलैक्स्ड दिन बीता। और ये आज का फिर एक एक्सपीरियंस है, आज गुरु पूर्णिमा का नेक्स्ट डे है, तो उस दिन सुबह से, मतलब आज ही सुबह से लेकर शाम तक का ये मैं वीडियो बना रही हूँ। 15 to 6, मतलब चलो ऑलमोस्ट 6 बजे का ही आप मान लो, तो शाम तक मेरा जो दिन गया अमेजिंग था। हर काम होते वैसे ही हैं बट एक्सट्रीमली पावरफुल गुड एक्सपीरियंस आपको उसके साथ मिलता है। और जो चीज़ आपको लगता है कि इसमें हमको स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी होगा या करना पड़ेगा, वो काम सामने से व्यक्ति आके और करके जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, मैजिकल 5 मिनट की प्रैक्टिस है तो आपको सबको करना ही है। अब आइए शुरू करते हैं कि वो प्रैक्टिस क्यों करनी है। पहली बात तो इस प्रैक्टिस को करने से आप जो दिन आपका अननोइंगली, या जिस चीज़ को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं ना, वो चीज़ हमें डिज़ाइन कर लेती है अपने अकॉर्डिंगली। समझ रहे हैं, अगर आपने दिन की शुरुआत, आप एक उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपका मूड खराब है, उठते साथ कुछ तो भी ऐसा हुआ कि आपका मूड खराब हो गया और वो पूरा दिन आपका वैसा ही, मतलब कुछ भी उस दिन अच्छा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो खराब मूड आपका जो सुबह से था वो शाम तक कैरी हुआ और आपने हर काम, चाहे सोचना हो, चाहे फील करना हो, चाहे आपको एक्शन लेना हो, उस गुड मूड को बीच में सेंटर में रख के आपने वैसे ही किया, तो सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई। और वैसे ही जब हम इस मैजिकल डे प्रैक्टिस में हम पहले से ही थैंक यू बोलते हैं, किसी भी चीज़ को होने से पहले ही जब हम उसके लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो आपका गुड मूड है वो गारंटेड रहता है वो गुड मूड। तो आपको सिर्फ इस प्रैक्टिस में दिन की शुरुआत में थैंक यू बोलना है, और ये मैजिक वर्ड आपका पूरे दिन को पॉजिटिव बना देगा। यानी आपको उस दिन ना फ्रस्ट्रेशन होगा, ना एंजाइटी होगा, ना फियर होगा, ना डाउट होगा, क्योंकि आपने पहले से ही उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू का एक्सपीरियंस दे दिया है, अनुभव कर लिया है, तो वही एक्सपीरियंस बैक होके आपके पास आता है, गुड एक्सपीरियंस। तो अब इस प्रोसेस में करना क्या है, सबसे पहली चीज़ इस प्रैक्टिस में जो आपको करना है, इसमें 2 शर्तें हैं। सबसे पहली तो कि दिन के शुरुआत में करना है, तभी तो आप उस दिन को मैजिकल डे मना पाओगे। दूसरी चीज़ एक सेशन में करना है, एक ही बार में करना है। सॉरी फॉर द नॉइस, बाजू में घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से आवाज़ आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ये मैजिकल प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा पर बहुत आसान है, उसको थोड़ा सा ही और समय लगेगा और इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो आपको ये 2 शर्तें कि दिन की शुरुआत में करनी है। अब आपको सुबह जल्दी उठ के
अगर आप रेंडमली प्लान करते हो चीज़ों को कि आज मुझे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई जो ऑफिस वर्क करता है उसकी कुछ मीटिंग है, क्लाइंट से मिलना है, कुछ फ़ोन कॉल है, कुछ और जो भी एक्सट्रीमली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की प्लानिंग की लिस्ट आपके रेंडमली आपके दिमाग में रहती ही है, तो उसको कैरी करना है आपको। और कई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, हालांकि मैंने वो बना नहीं रखी है, पर कई बार मैं भी बनाती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी लिस्ट है। तो इस तरीके से ये 1 2 3 करके आप टू डू लिस्ट बनाते हो, उसको भी आप सामने रख सकते हो अदरवाइज दिमाग में। और महिलाएं भी कर सकती हैं, जिनके लिए कोई खास ऐसी मीटिंग नहीं है या कहीं मिलना नहीं है, उनको भी करना चाहिए कि आपके दिन में आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाने वाले हो, बच्चों को तैयार करने वाले हो, ना लंच बनाने वाले हो, घर की सफाई करने वाले हो, या ग्रॉसरी लेने जाने वाले हो, कुछ भी आप करने वाले हो, पर आपको ये करना चाहिए। उस दिन आप आपका एक्सपीरियंस देखिए, सब लोगों से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, या उस दिन का एक्सपीरियंस आपके अदर डे के एक्सपीरियंस से कई गुना हजार गुना बेहतर होगा। तो आपके पास, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठे, 5-10 मिनट शांति से बैठिए, रिलैक्स होइए, और अपने मन में, हेड में वो सारी लिस्ट जो टू डू लिस्ट है उसके एक एक चीज को याद करते जाइए, या रेंडम प्लानिंग है आपका कि पहले ये फोन कॉल करूंगा, फिर इससे मिलूंगा, फिर ये मीटिंग करूंगा, जो भी है उसको आपको एक एक करके इमेजिन करना है, और उसको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ ऐसा बोलना है मन में, और उसके लिए थैंक यू बोलना है। जैसे मैंने आज सुबह जब इस ग्रेटिट्यूड ये मैजिकल डे की प्रैक्टिस के लिए मैं ये कर रही थी, तब मैंने बोला थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग ओपीडी। जितने पेशेंट आए सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरी ओपीडी बहुत अच्छी रही। ऐसे ही आप हर एक इवेंट के लिए बोलते जाइए, और आप देखिए आज सुबह की मेरी ओपीडी बहुत अच्छी थी। आज मेरे जो पीजी स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों ने हम लोगों को मिलके गुरु पूर्णिमा की बधाई दी, हमको हमारा सम्मान किया। तो और जितने प्रोजेक्ट थे, कुछ चार्ट्स बनने थे, वो खुद आगे से बच्चों ने आके हमको बताया कि सब कुछ रेडी है, वरना मैं बुला के बोलना पड़ता था। तो ये तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, ऐसे पूरे दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे एक्सपीरियंस को एक्सट्रीमली गुड बनाती हैं। तो वैसे ही आपको भी करना है मॉर्निंग में, ये सारी चीज़ें आपको सेट कर लेनी है, और हर एक इवेंट को देखिए और उसको बोलिए थैंक यू फॉर एक्सट्रीमली गुड शॉपिंग, थैंक यू फॉर एक्सट्रीमली टेस्टी लंच, थैंक यू फॉर एक्सट्रीमली गुड मीटिंग, एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस, जॉयफुल डे, आई एम सो मच हैप्पी। इस तरीके से आपको एक एक इवेंट के लिए बोलना है, उसको महसूस करना है, थैंक यू बोलना है, और अपना पूरा दिन ऐसे ही दिमाग में इमेजिन करना है। फटाफट आपको 8-10 जितनी लिस्ट है, जितने काम है, उन सब के लिए ऐसे बोलिए और थैंक यू महसूस कीजिए। बस यही आपको एक काम करना है, और फिर आपको अपने पूरे दिन की शुरुआत करनी है। आप देखिए कि हर चीज़ आपकी उम्मीद से हजार गुना अच्छी होगी। अब इसको वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, जो कि इस मैजिक बुक की, ये प्रैक्टिस भी मैजिक बुक की है और इसी के ऑथर की स्टोरी भी है। तो उनकी जो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था सुपरमार्केट में शॉपिंग का, तो उन्होंने उसकी स्टोरी इसमें शेयर की है कि मैंने पहले ही एज्यूम किया मॉर्निंग में कि आई हैव अ वेरी ईजी एंड जॉयफुल सुपरमार्केट ट्रिप। अब आप सोच सकते हो बाजार में, सुपरमार्केट में जाके सामान लेना कितना इजी और कितना जॉयफुल है, ये हर किसी को पता है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट जॉयफुल, बट उन्होंने ऐसा एज्यूम किया। और उसके बाद वो सुपरमार्केट गई और उनको डोर पे ही पार्किंग मिली, और जहाँ भी वो गई, जिस भी सेल्फ पे गई, सामने ही उनको अपनी सारी चीज़ें मिली, और रिकॉर्ड टाइम में, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में उनकी पूरी शॉपिंग हुई। और जब वो जाने लगी जहाँ पे बिल बनता है, बहुत सारे रैंडम लोग भी वहाँ पे खड़े रहते हैं जो कि कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज भी देते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, एक
सामने एक गर्ल आई और अचानक से उसने खुद बोला, उन्हीं को ही बोला, वुड यू लाइक टू हैव बैटरी। और उनको एकदम से रिकॉल हुआ, अरे बैटरी लेना तो मैं भूल ही गई थी, और उसने सामने से ला के दिया और उन्होंने वो बैटरी ली। और आप देखिए, उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि उनको दो फ्रेंड मिले थे जाते साथ ही, जो बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो जो पहली फ्रेंड थी उनके साथ उन्होंने शॉपिंग के बाद लंच लिया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और जो दूसरी फ्रेंड मिली थी उन्होंने उनको एक्सपेंसिव होम क्लीनर, होम मेट, मतलब जो नौकरानी रहती है वो उनको प्रोवाइड की, मतलब बताया कि इसके कॉस्ट बहुत कम है, आप इसको ले सकते हो, ये अलग बेनिफिट था। तो देखिए उनकी जो सुपरमार्केट की ट्रिप थी ये बियॉन्ड इजी एंड जॉयफुल ट्रिप थी, उनकी उम्मीद से कई गुना अच्छा। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, 2 दिन का है। तो आप हर दिन को ऐसा अपना मैजिकल डे बना सकते हो। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो तो आप गुड मूड की गारंटी रखते हो, और जब गुड मूड में हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी सफलता की पूरी पूरी गारंटी रहती है। रिजल्ट आपको 1000 गुना बेहतर होके मिलता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जैसा वाइब्रेट करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, पूरा यूनिवर्स, ये डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ वैसे ही चीज़ों को शेयर करता है, आपको वैसे ही चीज़ें शो करने की कोशिश करता है। क्योंकि गॉड चाहता है कि हम यहाँ जिस चीज़ के लिए आए उसको इंजॉय करें, हम यहाँ किस चीज़ के लिए आए, क्रिएट करने एंड इन्जॉय करने, सेलिब्रेट करने। तो यूनिवर्स आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है, आपके हर एक दिन को मैजिकल डे बनाता है, और आपके खुद के पास वो पावर है कि आप अपने हर दिन को मैजिकल डे बना सकते हो। और मैं एक चीज़ तो आपको ज़रूर बोलूँगी हर इम्पॉर्टेंट चीज़ के पहले, और हाँ ये प्रैक्टिस और लास्ट में मैं बताना भूल गई कि आप जब पूरा दिन बिताते हो उस प्रैक्टिस के साथ, तो जैसे जैसे एक एक इवेंट होता जाए, हर इवेंट के बाद आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर दिस डिलीशियस लंच, थैंक यू फॉर दिस मीटिंग, लाउड बोलना है, लाउड नहीं बोल सकते तो इन हेड तो ज़रूर बोलना है। और पूरा दिन आपको, रात तक आपको उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। और देखिए एक के बाद एक अच्छी अच्छी चीज़ें होती जाएंगी, और रात को मैजिक रॉक के साथ उसकी प्रैक्टिस करना है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस के लिए अगर वीडियो होगा तो मैं इसके स्क्रीनशॉट में लगाऊंगी, अदरवाइज आप ढूंढिए मैजिक रॉक, अगर ऐसा डालोगे डॉक्टर वंदना सराफ मैजिक रॉक तो वो वीडियो पॉपअप होगा यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो, अमेजिंग वीडियो है। और ये प्रैक्टिस तो हर किसी को करनी ही चाहिए, आपका जीवन बदल जाएगा इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मैजिक डे प्रैक्टिस या इवेंट या रिचुअल आप हर दिन कीजिए। स्पेशली मैं जो बात अभी बता रही थी कि स्पेशली किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग, किसी इम्पॉर्टेंट कॉल या कोई बहुत बड़ी चीज़ को करने से पहले तो ज़रूर बोलिए कि उसके आउटकम को इमेजिन कीजिए, थैंक यू बोलिए, और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ वो काम करना शुरू कीजिए, उसके सक्सेसफुल होने की गारंटी रहती है। यस माई डियर फ्रेंड, तो आई हैव अ मैजिकल डे, ये लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी मेरे साथ ग्रो कर रहे हो, अपने जीवन को बेहतर, इजी, पॉजिटिव बना रहे हो। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।